हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है माधव की रसोई में। और आज मैं बनाने जा रही हूँ आटे से सैंडविच। तो चलो फ्रेंड्स, बनाते हैं अपनी सैंडविच, हेल्थी और एकदम यूनिक नाश्ता, क्योंकि इसमें कोई मैदा नहीं है, कोई कॉर्नफ्लोर नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो ये एकदम हेल्थी सैंडविच बनाएंगे। तो चलो बनाते हैं सैंडविच। उसके लिए हमें क्या चाहिए, मेरे पास है 1 कटोरी आटा। तो ये आटे को मैं इसमें डाल दूँगी, छना हुआ आटा है, इसमें डाल के इसमें डालूंगी थोड़ा नमक। जैसे अपने ब्रेड में नमक होता है ना, वैसे इसमें नमक डालूंगी। इसमें मैंने नमक डाल दिया और इसमें कुछ नहीं डालूंगी, सिर्फ पानी लूंगी। फ्रेंड्स, अब हमने इसमें नमक मिलाया हुआ है, अब हम इसको आटे को गूंथ लेंगे और इसको ऐसे गूंथेंगे कि बिल्कुल टाइट, जैसे हम रोटी और पूरी का मलते हैं उससे थोड़ा सा टाइट। तो फ्रेंड्स, हमारा ये आटा बिल्कुल रेडी हो गया। अब हम इसको क्या करेंगे कि 10 मिनट के लिए ढक के रख देंगे, जब तक हम आगे की कार्रवाई शुरू करते हैं। तो उसके लिए हमारे पास है ये प्याज, इसको मैं ढक के रखती हूँ। इसको मैंने ढक के रख दिया। ये देखो फ्रेंड्स, मैंने कढ़ाई को चढ़ा दिया। अब कढ़ाई में हम डालेंगे थोड़ा सा घी, और घी डालेंगे थोड़ा, ज़्यादा नहीं डलेगा इसके अंदर घी, इतना सा घी डालेंगे इसमें। और हम क्या करेंगे, इसमें प्याज को भून देंगे। हम इसको छोड़ देंगे ठंडे में, हमने गरम ज़्यादा नहीं करनी है एकदम से, तो हम इसको छोड़ देंगे। और अब हम इसको धीरे धीरे बिल्कुल स्लो गैस के ऊपर इसको लाल करना है, गोल्डन कलर का। इसका जो पीछे का भाग होता है ना, जिसके अंदर गांठ सी होती है, उसको निकाल दो। तो निकालने के बाद में एकदम अकेली अकेली हो जाएगी, जैसे किसी में रह भी जाता है, उसको निकाल दो। या जैसे आप बिरयानी के लिए तलते हैं ना, वैसे ही प्याज को हम तलेंगे। तो इसको सिम गैस पर तलने के लिए ना 5 से 10 मिनट लग जाते हैं। ये देखो फ्रेंड्स, मेरे को हो गए 10 मिनट, बिल्कुल सिम गैस के ऊपर मैंने इस प्याज को भूना है। अब हम क्या करेंगे, इस प्याज को निकाल लेंगे इसमें से। इसमें थोड़ा बहुत तेल होगा, घी जो मैंने डाला था सब इसको सोख दिया इसमें। और इसमें मैं आप कुछ नहीं डालूंगी तेल वगैरह, और मैं इसमें ये डाल दूंगी हरा धनिया। हरा धनिया डालने के बाद में इसमें ये शिमला मिर्च और ये टमाटर, और थोड़ी सी इसमें डालूंगी मैं ये कॉर्न। इसको मैं क्या करूंगी, थोड़ा सा इनका कच्चा पन निकालना, ये देखो। अब मैं क्या करूंगी, इसको गैस को कम तो है, इसको मैं उतार लूंगी और इसके ऊपर रख दूंगी तवा। ये मैंने तवा रख दिया इसके ऊपर। अब हम बनाएंगे सैंडविच। तो चलो बनाते हैं सैंडविच। देखो फ्रेंड्स, हमारा आटा बिल्कुल रेडी हो गया। अब हम इसको हल्के हाथ से इसको मथ लेंगे, और इसकी हम बनाएंगे 2 पेड़े। ये इतना मोटा इसका पेड़ा हम बनाएंगे। और ऐसे जैसे इसको रोटी बेलते हैं, वैसे इसको बेलना है। इसके ऊपर ना आटा लगाना है ना तेल लगाना है, बस इसको बेलना है। हमने इसको बेल लिया। अब हम क्या करेंगे, इसके करेंगे चौकोर पीस।
पहले हम ऐसे काटेंगे। एक सैंडविच के लिए हमने इसको रेडी कर लिया। ये देखो फ्रेंड्स, ये हमारा रेडी हो गया और गैस को बिल्कुल कम करके रखेंगे। अब चलो दूसरा बना लेते हैं। इसको मैं एक प्लेट में रख लेती हूँ, फिर ऐसे ही हम दूसरा भी बनाएंगे। ये लो फ्रेंड्स, हमारे ये दो सैंडविच के लिए ब्रेड बिल्कुल मैंने तैयार कर लिए। अब हम इसको आराम से इस पर रख देंगे और इसको हल्के हाथ से हटाएंगे। इसको ज़्यादा छेड़खानी नहीं करनी है, ज़्यादा सेकना नहीं है, मतलब फटाफट से इसको पलट दो। ये देखो फ्रेंड्स, हमारे ये सैंडविच ब्रेड बनके तैयार हो गए हैं, आटे के सैंडविच ब्रेड। और अब हम क्या करेंगे, इन ब्रेडों के ऊपर लगाएंगे, पहले लगाएंगे हम चटनी। डालेंगे हम ये जो हमने मसाला बना के रखा हुआ था, उसके ऊपर डालेंगे हम पनीर। अच्छे से भर के पनीर डाल देंगे। इसमें डालेंगे थोड़ा सा नमक, डालेंगे थोड़ी मिर्च, मिर्च अपने अनुसार जितनी आप खाना चाहते हो। और उसमें डालेंगे हम ये मसाला और ये मसाला डालने के बाद में हम तवे पे लगाएंगे हल्का सा घी और हम इसको रख देंगे तवे के ऊपर और फिर हम ऊपर से इसको भी ढक देंगे। इसको हम ढक देंगे, ऐसे ही हम दूसरे वाले को भी तलेंगे और इसको हम आराम से दोनों हाथ से पकड़ के फिर हम इसको तल देंगे। बिल्कुल गैस को बिल्कुल कम रखना है, उसके बाद में ये बहुत अच्छा और टेस्टी नाश्ता बनके तैयार होता है। आप बच्चों को दो भी तो बच्चे बहुत खुश हो जाएंगे। हरी चटनी नहीं डालनी है उनके लिए, मीठी चटनी डाल दो उनके लिए, जो भी आपके पास में सोया सॉस जो भी आप खाते हैं अच्छे से। तो ये अब मैंने प्याज डाल दिया इसके ऊपर, फिर तो मैंने डाला ये मक्की और ये शिमला मिर्च, धनिया और इसके ऊपर डाला मैंने ये पनीर। और अब मैं डालूंगी इसके ऊपर नमक। तो फ्रेंड्स, हमारे ये दोनों सैंडविच बनके तैयार हो गए। अब हमें इनको तवे से लेने का, गैस को कर देंगे बंद, तवे को रखेंगे नीचे। देखो फ्रेंड्स, अब हम इसको सैंडविच को बीच में से कट कर लेंगे। ऊपर नीचे बहुत अच्छी से ये सिक्के तैयार हुई है। तो चलो फ्रेंड्स, अब हम इसको ये देखो फ्रेंड्स, हमारे जो सैंडविच हमने बना के तैयार करे हैं, देखो कितने अच्छे और टेस्टी बन के तैयार हुए हैं। तो इसको बीच में से मैंने कट मार दिया और बहुत अच्छे, और ये हेल्थी भी हैं क्योंकि इसमें मैदा नहीं है, कुछ भी नहीं ऐसा डला हुआ जिससे कि ये बच्चों को नुकसान करेगा। जो बच्चे सब्जियां नहीं खाते वो सारी सब्जियां इसमें डाल के आप सैंडविच बना के बच्चों को आटे के दे सकते हैं। तो चलो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो इसी के साथ में लाइक शेयर कमेंट्स और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो हम इसको चटनी के साथ में खाएंगे। तो चलो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए सबको राधे राधे।